अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए चकोर पराठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। देखेंगे, मेरे पास है आटा। तो आटा जो है वो मैंने रात का गूंद के रखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसको शेयर किया जाए। तो ये देख लें जी, आप गौर करें कि आटा बिल्कुल ठंडा है, कोई भी मैंने स्पेशल आटा नहीं गूंदा, ठीक है। और ना ही आपको गूंदने की ज़रूरत है। जो न्यू बच्चियाँ पराठे बनाना सीख रही हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, और इसको आपने लाइक कर देना है। अगर अच्छी लगे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे मेरी हर हर वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यार आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये देखें जी, आटा जो है वो मैंने पेड़ा ले लिया है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, इतना सा पेड़ा लेना है, और इसको हमने इस तरीके से, ये देखें जी, पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बन गया। इसी तरीके से मैं ना इसके पेड़े बना के रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, ठीक है। अब हमने जो आगे वाला प्रोसीजर है वो करना है, ठीक है। तो कभी भी पहले पेड़े से पहले जो है ना वो पराठों की शेप नहीं बनती। मैं आपको ना आज दो की बजाय मैं आपको कोशिश करूँगी चार किस्म के पराठे बनाने सिखाऊँ, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे किस्म के पराठे बनाने आ जाएँ। तो चलिए फिर पहला जो पराठा है वो हम शुरू करते हैं। जिसको मैंने खुशक आटा लगा के और इस तरीके से इसको बेल लेना है। चैनल पे रेसिपी दे चुकी हूँ बल वाला पराठा किस तरीके से बनाया जाता है। तो वहाँ मुझे कमेंट आया था कि हम पराठा बनाते हैं तो उसको हमें खुशका बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो पराठा हमारा अच्छा नहीं बनता, ठीक है। तो कोशिश, ये देखिए, मैं आपके सामने मैंने सिर्फ एक दफ़ा खुशका लगाया। उसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लें, अगर बेलने के साथ बार बार चिपके उसके ऊपर खुशक आटा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, अब मैं लूँगी घी। ये देखें, देसी घी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। डालडा जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरीके से लगा लिया। अब हमने खुशक आटा लेना है और इस तरीके से हल्का सा, एक से एक चुटकी, बस ज़्यादा नहीं, और इसको इस तरीके से हमने बना लेना है तकरीबन हाफ में करके, और यहाँ से उठा के इसके साथ में लाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी चकोर पराठा, चौरस पराठा, या जो भी आप इसको कह लें। ये देख, ये इसकी जो है हिस्सा बंद हो गया, ये हम ऊपर रखेंगे। जब पकाएंगे ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक साइड पे आटा लगा के तो सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, अब आती है अगले पराठे की बारी। एक लगा लेना है और फिर बेलना है। फिर इस तरीके से हमने इसको लगाना है घी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना, बस इतना लग जाए कि अच्छे से इसके लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो। और इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से खुशक आटा छिड़क देना। अब लेनी है हमने एक नाइफ, ठीक है। और आपको लगे कि सारी रोटी में से हाफ हिस्सा यहाँ कट है, और इस तरीके से हमने इसको कर लेना, और यहाँ से हमने रोल करते जाना है। ये देखिए आपके सामने, मैं वीडियो इसीलिए स्किप नहीं कर रही, सारी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये देख लें आप, ठीक है। अब इसको यहाँ रख के हमने, ठीक है, इसको ऐसे घुमा देना है। ये देखें जी, इसके ऊपर जो लेयर्स हैं ना वो प्रोमिनेंट हो गए। वीडियो को स्किप मत करके मत देखा करें, घी लगा लेना। अब आती है बारी फिर दोबारा खुशक आटे की। खुशक आटा क्यों बार बार लगाना पड़ता है? ताकि इनकी लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो, चाहे मैदा हो चाहे आटा हो, इसको लगाना पड़ता है। अब हमने इसकी इस तरीके से इसको कट काटने हैं, ठीक हो गया। बस इस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है। ये देखिए, अब ये जो हिस्सा साथ जुड़ा हुआ और ये इसका नहीं जुड़ा हुआ, इसको हमने इस तरीके से कर लेना, गोल गोल कर लिया हमने इसको। ये देखिए, इसको इसी तरीके से हमने जितना गोल हो सके ना कर लेना, और इस तरीके से हमने इसको रोल कर लेना। और जो हिस्सा है इसका, ये हमने इसके नीचे ले जाके बंद करना है, ऊपर नहीं करना। ये देखिए,
और इस तरीके से मैं लगा दूंगी इसके ऊपर घी, फिर खुशक आटा, ठीक है। और अब हमने इसको इस तरीके से रोल करना है, इसके अंदर हवा ना रहे, ये देखिए। और नीचे इसका सिरा बंद करना, ठीक है। सारे ही पराठों में हमने नीचे सिरे बंद करना है। घी से क्या होता है कि पराठा मज़ेदार बनता है और खस्ता बनता है। अच्छा जी, अब हमने इसको यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ के इसके साथ में डालना, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई, ये देखिए। यहाँ से पकड़ना और इसको इस तरीके से बढ़ा के इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर ऐसे ये चेक करें आप, इसकी साइडें ये देखिए किस तरह लेयर्स बन चुकी हैं। अब हमने इसको लंबा नहीं करना, इसके ऊपर ही हमने इसको ऐसे लपेट देना है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है फिर इसको पकड़ना और नीचे हमने करके रख देना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी ऐसे लेयर प्रोमिनेंट होंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये काटा लगा लेना और इस तरीके से। अब मैं इसको डालूंगी तवे के ऊपर, पराठे को हमने डाल देना है। पलटने के बाद फिर हमने इस तरीके से इसके ऊपर घी लगाना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से जो हल्का सा हो गया है पक चुका है, इसके ऊपर भी हमने घी लगा देना है और इसको भी हमने पलट लेना है। आप ये देखें जी किस तरीके से पराठा जो है वो फूल गया। अगर पराठा ना फूले तो समझ लें कि आपका पराठा सही नहीं बना, ठीक है। ये इतना माशाल्लाह खस्ता बनेगा कि आपके घर वाले खा के बोलेंगे इंशाल्लाह कि कितना मज़े का पराठा बना है और मुंह में घुल गया है। तो ये देखें जी, ये वाला जो है ये है बल वाला पराठा, ठीक है। ये बल वाला मैंने बनाया। अब इसी को भी मैं ऐसे ही करूँगी कि जैसे ही ये जो हिस्सा है सिक जाएगा नीचे वाला, इसको हमने पलट देना है। ये देखिए ये हल्का सा सिक गया, अब हमने इसको पलट देना है और इसके ऊपर हमने घी लगाना है, ठीक है। ये देखिए पराठा जला हुआ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, और वैसे भी वो अकड़ जाता है और कड़वा लगता है, तो हल्का हल्का कच्चा ही होगा, तो हमने इसको पलट लेना है। ये देखिए, ये आप चेक करें, कसम से पूड़ी कबाब भूल जाएंगे, इतनी मज़े का, इतना मज़े का ये पराठा बनता है। ये चौरस पराठा है, आप इसको चेक कर सकते हैं किस तरीके से सॉफ्ट बना है। और ये देखें, आप इसको उठा के मुट्ठी में बंद कर लें, ये देखें, और पराठा टूटेगा भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले दाद दिए बगैर आप नहीं रह सकेंगे, ठीक है। ये चौरस पराठा हो गया। अब ये मैंने दाल के साथ और बच्चों को अचार के साथ देना है। अगर आपने अभी तक मेरी अचार की रेसिपी नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत माशाल्लाह मज़े का अचार बना है। ये देखिए इसकी लेयर्स जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हैं, तो ये आप इसको भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से टूटती ही जा रही है। ये देखें, ये देखें, ये इसकी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ लेयर्स वाला पराठा। ये देखें इसकी भी लेयर्स, ये देखें खुद ब खुद से।